कटिहार में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के विकराल रूप के सामने हर कोई बेबस है। क्षेत्र में जल प्रलय के कारण बड़ी संख्या में लोग इस वक्त विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर हैं। कोई प्लास्टिक की झुग्गी बनाकर रह रहा है तो कोई स्कूल में शरण लिए हुए है। मगर इन सबके बीच जो एक जमीनी सच्चाई देखने को मिल रही है वो है सरकारी राहत की, जो खुद ही दबी जुबान में अपने बारे में सब कुछ बयां कर रही है। जी हाँ, सरकार की तरफ से इन्हें राहत तो मिल रही है, मगर वैसी नहीं जैसी इनकी जरूरत है, जो खुद ही यहाँ के पीड़ित परिवार बयां कर रहे हैं। हमको नहीं मिल रहा है। हाँ, खिचड़ी बना छे, खिचड़ी नहीं खेलो। हाँ, एक टाइम वो हो कि खिचड़ी खेलो नहीं जा छे, मैं गंदगी मन की सब लग ले रही छे। तो सुन लिया आपने, ये स्थिति है कटिहार जिले के कुर्सेला रेलवे माल गोदाम के पास रह रहे लोगों की। और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सरकारी मदद की नहीं है, ये है माँ दुर्गा पूजा समिति द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की। जी हाँ, माँ दुर्गा पूजा समिति ने इन सभी विस्थापित और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। सैकड़ों सूखा राशन का पैकेट तैयार किया जाता है और इन पीड़ितों के बीच बांटा जा रहा है, जो इनके जीने का सहारा बना हुआ है। गाड़ी के पास लगी भीड़ को देखकर अब तक आपने ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये राशन कितने लोगों को मिल पाता होगा। बिल्कुल सही समझा आपने, यहाँ भी हर किसी को राशन नसीब नहीं होता है, मगर कोई करे भी तो क्या। सरकार के अलावा निजी संस्थाएं कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपनों की जिंदगी की सांसें बचाई जा सके। हाँ, लोगों में बेचैनी है कि मैंने हमको लग नहीं रहा है कि लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से विशेष व्यवस्था है, और काफ़ी लोगों में देख रहे हैं परेशानी। तो हम लोग अपने तरफ से जो है मंदिर कमेटी की तरफ से जो है यह मैंने वितरण कर रहे हैं कि सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों को ज़रूरत है और ज़रूरत की चीज़ जो है हम लोग वितरण कर रहे हैं। असली पूजा जो है यही पूजा है, और जितना भी पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी पूजा के रूप में हम लोग इस तरह का सेवा दे रहे हैं। सबसे बड़ी पूजा जो पीड़ित आपदा से पीड़ित, संकट से पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है, और इसको हम लोग सबसे बड़ी पूजा के रूप में मानते हुए इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। अब इन लोगों की हालत को देखकर प्रशासन को इनके खाने और रहने के लिए मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ न सिर्फ महिला पुरुष बल्कि मासूम बच्चे भी रह रहे हैं, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। टाइम्स न्यूज़ डेस्क, कटिहार।